नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है कुशाग्र सिंह और स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में। तो बहुत दिनों बाद आज फिर से मेरा एक ऐसा वीडियो आ रहा है जिसमें मैं खुद आपको दिख रहा हूँ। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे आरओबी या फिर आरयूबी के बारे में कि आखिर इनका बनने का क्राइटेरिया क्या रहता है, मतलब कि रोड ओवर ब्रिज या फिर रोड अंडर ब्रिज, जो भी हमारी रेलवे ट्रैक रहती है उसके ऊपर जो भी ब्रिज बनाया जा रहा है, मतलब कि जो भी हमारी पटरी रहती है उसके ऊपर से जब भी ब्रिज बनाया जा रहा है तो उसको हम कहते हैं आरओबी। और वहीं जब भी पटरी रहे और उसके नीचे से अगर रास्ता जा रहा है तो फिर वो है रोड अंडर ब्रिज, मतलब कि आरयूबी। और इसी के साथ साथ अब एक और चीज के बारे में आप जानेंगे, एलएचएस के बारे में। LHS का मतलब है लिमिटेड हाइट सबवे। अब आजकल बहुत सी जगह पर ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है कि भाई नीचे से पूरा का पूरा खोद के यहाँ पर ट्रैफिक को निकाला जाता है, जिससे कि हमारी जितनी भी लेवल क्रॉसिंग है उनको खत्म किया जा रहा है। अब ये हर जगह तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे डिवीजन में मैं अभी देख रहा हूँ फिलहाल कि ऐसी चीज कर रहे हैं लगातार। तो क्या इसका क्राइटेरिया है इन तीनों के बनने का, चलिए वो चीज को हम समझते हैं और साथ ही साथ क्या प्रोसीजर रहता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब सबसे पहले तो मैं आपको नेशनल हाईवे के बारे में बताऊंगा। अब देखिए, जितने भी हमारे NH होते हैं या फिर नेशनल हाईवे रहते हैं, तो अगर इनके ऊपर से रेलवे ट्रैक को बनाना रहता है तो यहाँ पर आरओबी या फिर आरयूबी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि नेशनल हाईवे में कोई फाटक तो बना नहीं सकता या फिर लेवल क्रॉसिंग वहां पर लगाई नहीं जा सकती, इतना ज्यादा ट्रैफिक रहता है और इतनी स्पीड से भी लोग वहां पर जाते हैं, तो इसीलिए वहां पर आरओबी या आरयूबी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब इसमें सिस्टम ऐसा रहता है कि भाई जब भी कोई ब्रिज बनेगा तो जो ब्रिज का कॉस्ट होगा वो रेलवे देगा, मतलब कि जो आरओबी या आरयूबी जो बनाएगा तो वो रेलवे उसकी कॉस्ट देगा, और जो अप्रोच रोड बनाना पड़ेगा या फिर जिस तरह से अप्रोच करेंगे रोड को ब्रिज से जोड़ने के लिए, तो उसकी कॉस्ट यहाँ पर NHAI देगा। या फिर आप सिंपल साफ सुथरे वर्ड्स में समझिए, तो देखिए पटरी के ऊपर जितना ब्रिज आ रहा है तो उसका खर्चा रेलवे देगी, और बाकी जितना अप्रोचिंग रोड बन रहा है आजू बाजू से, जिसमें कि भाई लोगों को ऊपर चढ़ाना पड़ेगा फिर उतारना पड़ेगा, तो उसका कॉस्ट यहाँ पर NHAI देगी या फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ऐसा यहाँ पर सिस्टम रहेगा नेशनल हाईवे के लिए। अब सबसे पहले तो आप ये चीज समझिए कि ये आरओबी, आरयूबी या फिर LHS, ये तीनों भी चीज जो है ये लेवल क्रॉसिंग को बंद करने के लिए बनाए जा रहे हैं। अब लेवल क्रॉसिंग तो आप जानते ही हैं, रेलवे फाटक। अब भाई कभी भी रोड अगर पटरी के ऊपर से जाता है तो उस टाइम पर यहाँ पर लेवल क्रॉसिंग लगा दी जाती है, मतलब कि जब भी ट्रेन जाएगी तो उसके पहले वो फाटक बंद हो जाया करेगा, जैसे ही ट्रेन चले जाएगी तो फाटक खुल जाया करेगा। तो ये चीज वहां के लिए ठीक है जहां पर ट्रैफिक कम है या फिर जहां पर ट्रेन उतनी ज्यादा नहीं है, तो वहां पर तो चलिए लेवल क्रॉसिंग में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसी जगह जहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है या फिर ट्रेन का मूवमेंट बहुत ज्यादा है, जिसमें कि अगर बार बार फाटक बंद करेंगे तो उससे यहां पर बहुत ज्यादा जाम लग जाया करता होगा, तो वैसी सारी जगह पर आरओबी या फिर आरयूबी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब इसका भी क्या क्राइटेरिया है वो तो हम आगे समझेंगे, लेकिन आप पहले टेक्नोलॉजी को समझिए। अब देखिए, पहले तो अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग बहुत सारी हुआ करती थी जिसमें फाटक भी नहीं थे, तो सबसे पहले तो उनको पूरा रेलवे ने खत्म किया, मतलब कि जितने भी मानव रहित फाटक थे या फिर जो अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग रहती थी तो उसमें बहुत सारे एक्सीडेंट्स लगातार होते रहते थे, तो उनको तो यहां खत्म ही कर दिया गया और हर जगह लेवल क्रॉसिंग लगा दी गई, और बाकी जहां पर ज्यादा ट्रैफिक था वहां पर अब आरओबी और आरयूबी बनने लग गए। अब लेकिन मोदी सरकार के पहले की अगर मैं बात करूं, 2014 के पहले की, तो उस टाइम पर ऐसा था कि भाई एक अगर आपको ब्रिज बनाना है तो उसके लिए लगभग हर एक डिपार्टमेंट से परमिशन भी लेना पड़ता था, और उन परमिशन को लेने के लिए 6 महीने से लगभग 4 साल का भी वक्त लग जाता था। मतलब कि आप समझ रहे हैं कि भाई परमिशन के लिए ही इतना टाइम लग जाता था, तो ब्रिज तो कब बनेगा वो तो आप जान ही नहीं रहे हैं। तो उस चीज को यहाँ पर 2014 के बाद खत्म कर दिया गया, और बहुत ही बढ़िया MOU यहाँ पर साइन हुआ रेलवे मिनिस्टर और रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर के द्वारा। और कब ये साइन हुआ है MOU, तो ये साइन हुआ है 10 नवंबर 2014 में, मतलब कि 2014 में, और उस टाइम रेलवे मिनिस्टर कौन थे, तो उस टाइम सुरेश प्रभु रेल मंत्री थे, और रोडवेज के मंत्री तो आप जानती हैं नितिन गडकरी जी, हमेशा से वही रहे हैं। तो इन्होंने यहाँ पर MOU साइन किया जिसमें कि ऐसा दिया गया कि भाई अगर कोई भी आरओबी, आरयूबी या LHS बनाना है तो उसकी जितनी भी परमिशन है वो 60 डेज के अंदर में आ जानी चाहिए, मतलब कि 2 महीने के अंदर सारी की सारी परमिशन यहाँ पर आ जानी चाहिए, जिससे कि यहाँ पर ब्रिज के जो काम है वो बहुत ज्यादा जल्दी हो सके और डेवलपमेंट काफी ज्यादा जल्दी हो जाए। तो यहाँ पर आप समझ गए कि सबसे पहले तो भाई ये चीज को खत्म किया गया कि भाई पहले 6 महीने से 4 साल जो है परमिशन लेने की लग जाती थी, अब यहाँ पर लेकिन परमिशन का टाइम घटा के सिर्फ और सिर्फ 2 महीना कर दिया गया। अब सारी परमिशन मिल जाती है तो फिर काम करना बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं, जिससे कि यहाँ पर काम जल्दी भी कंप्लीट होता है। अब मैं आपको रोड ओवर ब्रिज और रोड अंडर ब्रिज या फिर LHS के बारे में बताता हूँ, मतलब कि लिमिटेड हाइट सबवे। अब देखिए, इन तीनों में सबसे ज्यादा सेफ जो होता है तो वो रोड ओवर ब्रिज रहता है, और सबसे ज्यादा बढ़िया भी वही चीज है, क्योंकि ऊपर से रोड बना दिया डायरेक्टली ब्रिज के जरिए, जितने भी ट्रैफिक है वो ऊपर से यहाँ पर डायरेक्टली निकल जाया करेगा और कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं जाएगी, और इसमें ना वाटर लॉगिंग की समस्या आती है ना कोई पानी जमता है, तो ब्रिज वगैरह का तो काम आराम से हो जाता है। लेकिन बात यह है कि ब्रिज के बनाने में खर्चा बहुत ज्यादा आता है रेलवे को। भाई एक ब्रिज अगर नॉर्मल आप छोटे से छोटा भी बनाएंगे तो उसकी कम से कम लागत जाती है 10 करोड़ की, मतलब कि आप समझ जाइए कि भाई 10 करोड़ रुपए सिर्फ एक ब्रिज बनाने के लग जा रहे हैं अगर नॉर्मल सा ब्रिज बना रहे हैं, बड़ा बनाएंगे तो उसका तो ज्यादा कीमत लगनी ही है। और वहीं अगर आप कोई रोड अंडर ब्रिज बनाते हैं या फिर लिमिटेड हाइट सबवे बनाते हैं जो कि नीचे से पास होता है पटरी के, तो उसको बनाने की कॉस्ट केवल 2.5 करोड़ रुपए आती है अगर छोटा से छोटा बनाएंगे, ज्यादा की तो ज्यादा ही कॉस्ट आएगी, लेकिन
तब भी आप समझ जाइए कि यहाँ पर कोई भी अगर आप आरयूबी बनाते हैं तो उससे 4 गुना ज्यादा कॉस्ट आती है यहाँ आरओबी बनाने में। मतलब कि यहाँ पर जो भी रेलवे ट्रैक के नीचे से रोड बनाया जा रहा है तो उसकी कीमत यहाँ पर कम आती है, लेकिन आरयूबी के नुकसान भी बहुत ज्यादा है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो रेस्ट्रिक्शन लगाना पड़ता है कि भाई इससे बड़े व्हीकल्स यहाँ पर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड हाइट रहती है, इसलिए वहाँ पर लिमिटेड हाइट सबवे भी नाम दिया गया है। और वहीं आरओबी में तो ऐसी कोई समस्या है नहीं। और दूसरी चीज़, यहाँ पर आरयूबी में ये प्रॉब्लम आती है कि वाटर लॉगिंग होती है। मतलब कि भाई वो ऐसा नीचे खोद के बनाया जा रहा है ना, तो जब भी बारिश आती है यहाँ पर पानी जम जाता है। तो बारिश के सीजन में यहाँ पर बहुत ज्यादा तकलीफ होती है लोगों को, क्योंकि पानी जम जाएगा तो लोग जाएंगे कैसे, ट्रैफिक यहाँ पर पूरा का पूरा रुक जाएगा। तो ये यहाँ पर आरयूबी के नुकसान रहते हैं। लेकिन अगर आरयूबी के फायदे की बात करें तो यही है कि भाई एक तो पैसा कम लग रहा है और दूसरा यहाँ पर रेलवे को ब्लॉक बहुत कम लेना पड़ता है। अब भाई देखिए, जब भी यहाँ पर अप्रोच करेंगे या फिर नीचे से खुदाई करेंगे पटरी की, तभी तो यहाँ पर वो रोड को बनाया जा सकेगा नीचे से, तो उस टाइम पर यहाँ पर ब्लॉक लेना पड़ता है। मतलब कि ट्रेन्स को भी यहाँ पर रोकना पड़ता है उतनी देर के लिए। और वैसे ही जब आरओबी में जब ब्रिज को जोड़ते हैं एक एक स्लैब करके, तो उसके लिए भी यहाँ पर ब्लॉक लेना पड़ता है। और वैसे कहा जाए तो आरओबी के लिए बहुत ज्यादा ब्लॉक लगता है और वहीं आरयूबी के लिए ब्लॉक बहुत कम लगता है। मतलब कि जब भी रोड ओवर ब्रिज बनाते हैं, ऊपर से जब भी कोई ब्रिज बनाएंगे, तो उस टाइम पर यहाँ पर काफी बड़ा ब्लॉक लगता है और बहुत सारी ट्रेन्स को रोकना पड़ जाता है काफी देर के लिए। और वहीं जो रोड अंडर ब्रिज बनाते हैं, तो इसमें यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे या फिर 8 घंटे का ब्लॉक लेना पड़ता है, और उतनी देर में ही यहाँ पर एक काम हो जाया करता है जिससे कि बाकी की ट्रेन फिर से आना जाना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर ट्रेन्स के लिए भी उतनी समस्या नहीं रहती है आरयूबी में, और क्योंकि कॉस्ट सस्ता है इसलिए आजकल रेलवे आरयूबी बहुत ज्यादा बना रही है। अब रोड ओवर ब्रिज के बारे में तो आप समझ ही गए होंगे कि भाई ब्रिज बनता कैसे है, ये तो आपने बहुत बार देखा होगा, इसके बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। भाई पहले यहाँ पर ऐसे अप्रोच बनाते हैं, धीरे धीरे ऊपर हाइट को लाते जाते हैं, और बाद में बीच में यहाँ पर पिलर्स खड़े करके स्लैब को एक एक करके जोड़ दिया जाता है, जिससे कि यहाँ पर पूरा का पूरा ब्रिज तैयार हो जाता है। लेकिन उसको अप्रोच करने के लिए काफी दूर से ऐसे रास्ता बनाना पड़ता है। बस ये रोड ओवर ब्रिज की बात हो गई। और वहीं जो रोड अंडर ब्रिज बनता है, या फिर जो पटरी के नीचे से रोड बनाते हैं, या फिर जो लिमिटेड हाइट सबवे बोल लीजिए उस चीज को आप, तो उसको बनाने के लिए यहाँ पर 2 मेथड होते हैं। अब उन मेथड्स के बारे में आप समझिए। सबसे पहला जिसमें मेथड आता है कट एंड कवर मेथड, और दूसरा यहाँ पर आता है कट एंड कवर यूजिंग आरएच गिल्डर मेथड। मतलब कि पहले में यहाँ पर कट एंड कवर डायरेक्टली यूज कर रहे हैं और दूसरे में आरएच गिल्डर के साथ में यूज कर रहे हैं। अब दोनों में क्या फर्क है, तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। तो अब यहाँ पर आप वीडियो के माध्यम से समझिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई सबसे पहले तो यहाँ पर 6 घंटे का एक साथ ब्लॉक लिया गया है कट एंड कवर मेथड के लिए। इसमें ब्लॉक थोड़ा बड़ा लेना पड़ता है और जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है, बहुत सारे काम यहाँ पर एक साथ करना पड़ता है। अब यहाँ पर ब्लॉक लेने के बाद आप सबसे पहले देख रहे होंगे कि फटाफट यहाँ पर खुदाई करी जा रही है, 2 जेसीबी लगातार लगे हुए हैं खुदाई करने के लिए, और पूरी की पूरी पटरी ऊपर से निकाल के यहाँ पर मिट्टी को खोद दिया गया। उसके बाद यहाँ पर पहले से ही आरसीसी के यहाँ पर ब्लॉक बनाए जाते हैं, मतलब जो सीमेंट रहता है उसके पहले यहाँ पर ब्लॉक्स बनाए जाते हैं टुकड़े टुकड़े में, यहाँ पटरी के साइड में ही बनाते हैं। और लास्ट में जो क्रेन है बड़ी वाली, उसने क्या किया, यहाँ पर सारे के सारे ब्लॉक को एक के बाद एक यहाँ पर रख के जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद यहाँ पर वापस से मिट्टी डाली गई, और जितना पोर्शन थोड़ा सा खाली हो गया था उसको भरा गया, फिर वहां पर ऊपर गिट्टी डाल के यहाँ पर पटरी को लगाकर जोड़ दिया गया। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पर रोड अंडरब्रिज बनता है कट एंड कवर मेथड के द्वारा। अब इस मेथड में आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा काम एक साथ हुआ है, मतलब कि पटरी को निकालना, उसके बाद यहाँ पर खुदाई करना, फिर ब्लॉक्स को लगाना, और फिर वापस से पटरी को ऊपर जोड़ना। अब इसमें समस्या बस ये है कि भाई बहुत सारा काम एक साथ करना पड़ता है, 6 घंटे या फिर 8 घंटे के ब्लॉक में बहुत यहाँ पर फटाफट काम करना पड़ता है, जिससे कि क्वालिटी जो है क्वालिटी कई बार उतनी मेंटेन नहीं हो पाती है। और वहीं जो दूसरा मेथड है, अब इसमें देखिए, ये है कट एंड कवर मेथड यूजिंग आरएच गिल्डर। अब इसमें भी कट एंड कवर होगा, लेकिन यहाँ पर 2 पोर्शन में कट एंड कवर होता है। अब सबसे पहले तो यहाँ पर आप ये चीज समझ ही गए कि भाई आरसीसी का ब्लॉक तो बनाना ही पड़ेगा, जैसा कि भाई मैं आपको बताया सीमेंट के जो ब्लॉक बनते हैं वो तो यहाँ पर भी बनेंगे, और जहाँ पर ब्रिज बनाना रहता है रोड अंडर ब्रिज उसके बाजू में ही बनते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो 2 घंटे का ब्लॉक लिया जाता है, और 2 घंटे का ब्लॉक लेते ही ऊपर से पटरी को निकाला जाता है, और उसके बाद सारी की सारी मिट्टी को खोद दिया जाता है, और मिट्टी को खोदने के बाद यहाँ पर उस पटरी को निकाल के एक आरएच गिल्डर लगा दिया जाता है। मतलब कि ये बहुत बड़ा एक स्टील का ब्रिज टाइप का होता है डायरेक्टली, जिसको वहां पर रख दिया जाता है, और उस ब्रिज के ऊपर में पटरी भी लगी रहती है, जिससे कि डायरेक्टली यहाँ पर पटरी को जोड़ दिया जाता है। तो नीचे की यहाँ पर मिट्टी हटा के यहाँ पर जैसे ही आरएच गिल्डर को रख देते हैं ऊपर में, तो यहाँ पर ट्रेन्स का आवागमन होते रहेगा। मतलब कि यहाँ पर कॉशन ऑर्डर दे देते हैं लोको पायलट्स को, जिससे कि यहाँ पर गाड़ी की स्पीड को एकदम धीरे करके वो लोग ऊपर ब्रिज से ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा ब्लॉक नहीं है जिससे कि यहाँ पर ट्रेन्स का आवागमन एकदम से रुकी जा रहा है, एक छोटा सा ब्लॉक लिया जिसमें कि पहले आरएच गिल्डर को ऊपर में लगा दिया गया। मतलब कि एक लोहे का ब्रिज टाइप का जिसके ऊपर रेलवे लाइन रखी है, उसको यहाँ पर ऊपर रख दिया गया, और नीचे की मिट्टी यहाँ पर हटा दी गई है, और फिलहाल उसके ऊपर से ट्रेन्स आना जाना शुरू कर दी है। तो इतना काम हो जाने के बाद जैसे यहाँ पर आरसीसी के ब्लॉक्स बन जाते हैं,
तो फिर उसके बाद यहाँ पर 4 घंटे का एक अलग से ब्लॉक लिया जाता है जिसमें कि ट्रेन्स का आवागमन रोकते हैं और फिर जल्दी से उस आरएच गेटर को निकाल दिया जाता है ऊपर से, मतलब कि वो जो अलग से लोहे का गेटर लगाया था जिसके ऊपर पटरी रखी थी उसको वहाँ पर वापस से निकाल दिया जाता है और जो यहाँ पर पहले से खुदाई हुई रहती है तो यहाँ पर अब फटाक से क्रेन जो है वो आरसीसी के ब्लॉक को या फिर सीमेंट के ब्लॉक को वैसे ही लगाती है जैसे कि पहले आपने मेथड में देखा। एक एक करके ब्लॉक को यहाँ पर जोड़ दिया जाता है और उसके बाद वापस से यहाँ पर मिट्टी को भर के ऊपर में गिट्टी डाल के यहाँ पटरी डाल दी जाती है, जिसके बाद सेम मेथड आप समझ ही गए जैसे पहले था और उसके बाद यहाँ पर गाड़ियों का आवागमन फिर से शुरू हो जाता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इसमें फायदा क्या हुआ, पहले मेथड में आपको ज्यादा फायदा दिख रहा होगा क्योंकि सारे काम एक साथ ही हो गए। तो देखिए यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, मेन बात यह है कि भाई ट्रेन्स को लगातार रोक के नहीं रखना पड़ता है। पहले 2 घंटे का ब्लॉक लिया, उसके बाद गाड़ियां निकलना शुरू हो गई, फिर बाकी का काम करते रहे। तो यहाँ पर देखिए क्वालिटी भी मेंटेन रह रही है, पहले इन्होंने एक काम किया अब उसके बाद यहाँ पर फिर से एक ब्लॉक लेंगे 4 घंटे का। अब देखिए 6 घंटे का ब्लॉक दोनों में है लेकिन यहाँ पर पहले 2 का लिया जाता है फिर 4 का लिया जाता है आरएच ग्रेडर वाले मेथड में। फिर यहाँ पर आरएच ग्रेडर लगा दिया गया, उसके बाद यहाँ पर ट्रेन्स आना जाना कर रही हैं, फिर उसके बाद दोबारा ब्लॉक लेके आरएच ग्रेडर को हटा के नीचे वैसे ही सेम प्रोसेस उस आरसीसी के ब्लॉक को रख के यहाँ पर ऊपर पटरी लगा दी गई जो कि 4 घंटे में काम यहाँ पर हो जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर क्वालिटी भी थोड़ी सी ज्यादा मेंटेन हो जाती है, थोड़ा सा ट्रेन्स को भी लगातार रोक के नहीं रखना पड़ता और 2 ब्लॉक में आराम से यहाँ पर कोई भी रोड अंडरब्रिज या फिर लिमिटेड हाइट सबवे बन जाया करता है। और उसके बाद एक बार ये नीचे का स्लैब रख दिया आरसीसी का, उसके बाद बाकी अप्रोच करने के लिए तो उतनी प्रॉब्लम नहीं जाती है। फिर तो आप समझ ही गए कि भाई एक बार पटरी संभल गई उसके ऊपर से ट्रेन्स आना जाना बराबर अपना करते रहेंगी और बाकी नीचे से जो अपना रोड है वो तो आगे चल के बनाते रहेंगे धीरे धीरे, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जैसा भी अप्रोच करना है वैसा यहाँ पर रेलवे बना दिया करती है। और अब आप यहाँ पर ये चीज भी समझिए कि भाई पूरा का पूरा जो कॉस्ट है वो रेलवे यहाँ पर नहीं देती है। अब देखिए एनएचएआई का तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि उसमें अगर कोई भी ब्रिज बनता है या फिर आरयूवी बनता है तो उसमें जो अप्रोच रोड है उसकी कॉस्ट एनएचएआई देती है, जितना पोर्शन ट्रेन की पटरी के ऊपर आ रहा है या फिर जो ब्रिज बन रहा है उसकी कॉस्ट रेलवे देती है। ये तो एनएचएआई का सिस्टम हो गया। लेकिन बाकी अगर कोई रोड रहता है जहां पर ऐसे ब्रिज बनाना है तो वहां पर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 50% पैसा देगी और रेलवे 50% पैसा देगी। मतलब कि पूरा का पूरा ब्रिज बनाने का जितना खर्चा आएगा पूरा, मतलब कि अप्रोचिंग से लेके लास्ट के बनाने तक, चाहे वो रोड अंडर ब्रिज हो चाहे रोड ओवर ब्रिज हो, तो इन दोनों का जितना भी कॉस्ट आएगा टोटल में तो उसमें से 50% रेलवे देगी और 50% स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो यहाँ पर ऐसा कुछ क्राइटेरिया रहता है जहाँ पर भी नॉर्मल रोड्स में अगर कोई ब्रिज बनाना है तो उसका। और बाकी ब्रिज बनाना कहाँ कहाँ है, इस चीज को कैसे निकालते हैं, तो देखिए ये भी मैं आपको समझाता हूँ। तो इस चीज को निकालने के लिए एक टीवीयू सेंसस किया जाता है। अब टीवीयू क्या है भाई, ये आपने नई टर्म सुनी होगी। तो देखिए इसका मतलब है ट्रेन व्हीकल यूनिट। अब कोई भी लेवल क्रॉसिंग पर जहां पर भी ब्रिज बनाने की चर्चा चल रही हो तो वहां पर सेंसस लिया जाता है 1 हफ्ते का, जिसमें कि टीवीयू हर दिन का निकाला जाता है 7 दिनों तक। अब टीवीयू कैसे निकालते हैं, तो भाई चलिए ये चीज समझते हैं। अब यहां पर जितनी भी गाड़ियां गुजर रही है या फिर टोटल नंबर ऑफ ट्रेन जो निकल रही है तो उसका एक यूनिट बनाते हैं और उसको लगभग 7 दिनों के लिए नापा जाता है। हर दिन मतलब कितनी ट्रेन निकल रही है इस चीज को देखा जाता है, कितनी बार यहाँ पर गेट या फाटक बंद हो रहा है, और इसको हम डिनोट करेंगे टी से। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ ट्रेन जितनी जा रही है तो इसका जो यूनिट बनेगा उसको हम डिनोट करेंगे टी से। और दूसरा है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रोड व्हीकल्स जो कि पास कर रहे हैं 7 दिनों में, तो इसका जो यूनिट बनेगा इसको हम डिनोट करेंगे आर से। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ ट्रेन वाला टी और रोड वाला जितना यहाँ पर यूनिट निकल रहा है उसका हम आर से डिनोट करेंगे। अब ट्रेन का यूनिट कैसे काउंट करेंगे, तो भैया जितनी भी गाड़ियां जा रही है डेली में तो हर एक ट्रेन का 1 यूनिट हो गया। और वही रोड व्हीकल्स का यूनिट कैसे काउंट करेंगे, तो देखिए इसका क्राइटेरिया ऐसा है कि भाई अगर कोई 4-व्हीलर या फिर कोई कार वगैरह जा रही है तो उसका 1 यूनिट लेते हैं, अगर कोई बैलगाड़ी या बुलक कार्ट जा रही है उसका भी यहाँ पर एक यूनिट लेते हैं, कोई यहाँ पर तांगा जा रहा है तो इसका भी यहाँ 1 यूनिट लेते हैं, साइकिल रिक्शा का आधा यूनिट लिया जाता है, ऑटो रिक्शा का भी आधा यूनिट लिया जाता है, और साथ ही साथ जो हमारा 2-व्हीलर होते हैं या फिर जो मोटरसाइकिल या स्कूटी होती है तो उसका सीधा 1/4 यूनिट लिया जाता है। मतलब कि सबसे कम यहाँ पर 2-व्हीलर का लिया जाता है 1/4, बाकी सबका मैंने आपको बता ही दिया। तो अब हर दिन इसको काउंट किया जाता है कि भाई कितनी यहाँ से ट्रेन गुजर रही हैं और साथ साथ कितने यहाँ से रोड व्हीकल्स गुजर रहे हैं, और फिर इन सबका एवरेज निकाला जाता है। तो एवरेज ऑफ टोटल ट्रेन यूनिट निकाला जाता है 7 दिन के लिए, मतलब कि 7 दिनों तक जितना भी यहाँ पर टोटल गाड़ियां जा रही है उन सबको ऐड किया जाता है और डिवाइड कर दिया जाता है 7 से, जिससे कि यहाँ पर एवरेज निकल जा रहा है। तो ऐसे यहाँ पर ट्रेन्स का अलग एवरेज निकाला जाता है टी के लिए और रोड व्हीकल्स के लिए अलग यहाँ पर निकाला जाता है एवरेज, मतलब कि आर के लिए यहाँ पर अलग से एवरेज निकाला जा रहा है 7 दिनों का। और ये चीज निकालने के बाद यहाँ पर जो टीवीयू निकाल रहे हैं, मतलब कि ट्रेन व्हीकल यूनिट, तो वो निकल रहा है आर इंटू टी करके। मतलब कि जितना भी हमारा रोड वाला आया है एवरेज इंटू टी वाला, मतलब कि जो ट्रेन वाला एवरेज है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर टीवीयू निकल आएगा। तो अब ये जो टीवीयू निकलता है तो ये 1 लाख के ऊपर रहना चाहिए। तो जिस भी लेवल क्रॉसिंग में 1 लाख के ऊपर ये यूनिट आ रहा है तो वहां पर यहाँ रोड ओवर ब्रिज या रोड अंडर ब्रिज बनाना पड़ता ही है रेलवे को। और अगर स्टेट गवर्नमेंट रही तो आधा पैसा देगी, मैंने आपको बता ही दिया। नेशनल हाईवे में तो यहाँ पर ब्रिज बनाना ही पड़ता है, वो भी आप समझ गए। या फिर इसका एक और क्राइटेरिया है, अगर भाई जो फाटक है वो 12 बार से ज्यादा एक दिन में क्लोज हो रहा है
मतलब कि 24 घंटे के टाइम में इतनी गाड़ियां गुजर रही है कि 12 बार से ज्यादा यहाँ पर फाटक क्लोज हो रहा है और ट्रैफिक निकल ही रहा है। तो उससे भी यहाँ पर ये चीज को देखा जा सकता है कि यहाँ ब्रिज को बनाना पड़ेगा। बाकी TVU तो आपने समझ लिया, ट्रेन व्हीकल यूनिट, जो कि अगर 1 लाख के ऊपर निकल जाता है, जैसा कि मैंने आपको क्राइटेरिया बताया उस हिसाब से, तो यहाँ पर ब्रिज को बनाना ही पड़ता है। तो ये जो क्राइटेरिया है ये तो रेलवे के लिए था कि भाई रेलवे अपना कब कब पैसा लगाएगी। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई ऐसी पटरी है जहां पर जो ट्रेन का ट्रैफिक है वो काफी ज्यादा कम है और जो TVU है वो भी बहुत ज्यादा कम आ रहा है, तो वैसी जगह पर यहाँ पर जो ब्रिज है वो पूरा का पूरा 100% स्टेट गवर्नमेंट को ही बनाना पड़ता है। यहाँ पर रेलवे उस ब्रिज का पैसा नहीं देगी, मतलब कि भाई मान लीजिए अगर स्टेट को यहाँ पर कोई ब्रिज बनाना है तो पूरा का पूरा वो लोग पैसा दे और ब्रिज को बना दे। अगर TVU कम है या फिर ट्रेन की ट्रैफिक जो है काफी ज्यादा कम है तो वहाँ पर रेलवे पैसा नहीं देगी 50% अपना। अब जैसे कि मैं इसका एग्जांपल दूं तो भाई देखिए बैंगलोर में येलाहंका से देवनहल्ली जो रूट गया है तो वहाँ पर वैसी बहुत ज्यादा कम ट्रेन चला करती है, तो वहाँ पर अगर कोई ब्रिज बनाना हो कर्नाटक की सरकार को तो पूरा का पूरा कर्नाटक की गवर्नमेंट को ही 100% यहाँ पर ब्रिज का कॉस्ट देना पड़ेगा, रेलवे वहाँ पर 50% कॉस्ट नहीं देगी। और जहां पर भी TVU 1 लाख के ऊपर निकल रहा है तो वहां पर भी रेलवे 50% देगी और स्टेट गवर्नमेंट 50% पैसा देगी। और NHAI का आपने जान ही लिया कि कैसा सिस्टम है, वहां पर तो ब्रिज बनेगा ही बनेगा और ब्रिज की कॉस्ट रेलवे देगी, अप्रोचिंग की कॉस्ट NHAI देगी। तो यहां पर आपने काफी ज्यादा अच्छे से समझ लिया होगा कि कोई भी रोड ओवर ब्रिज या रोड अंडर ब्रिज को आखिर कैसे बनाया जाता है, क्या उसका क्राइटेरिया होता है। तो अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर से करें। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में ट्रेन्स की बहुत सारी जानकारियों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।